सहारनपुर के देवबंद में स्टोर संचालक नरेश सैनी को गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और हायर सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने चार लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी थी। एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना अध्यक्ष पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि नरेश के चाचा ने उसकी किसी महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली थी, जिससे वह नाराज थे और इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनको गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा एवं एक खोखा बरामद कर लिया। साथ ही चौथे अभियुक्त की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना देवबंद में 26 सितंबर को एक नरेश सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी उसको। उसका आज खुलासा हुआ है। उसमें कुल चार बदमाश थे, जिनमें तीन की गिरफ्तारी हुई है देवबंद पुलिस द्वारा। इनके पास से जो तमंचा प्रयुक्त हुआ था घटना में वो बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। घटना के पीछे एक इनकी रंजिश थी, जिसमें एक महिला को लेकर रंजिश थी और उसमें जो ये मृतक था मुख्य पैरोकार था और उसको एक योजना के तहत इन्होंने अपने एक साथी को 50,000 रुपये देकर तैयार किया और फिर अपने साथियों के साथ इन चार लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। ये अगर आप देखेंगे तो पुलिस देवबंद पुलिस ने बहुत तत्परता से इसमें गिरफ्तारी की है। 48 घंटे के अंदर इस मामले में जो भी मुख्य अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी इन्होंने कर लिया। सर, नरेश का इसमें क्या रोल था, क्योंकि नरेश के चाचा को बताया जा रहा है कि वो लड़की लेके गए थे, तो उसका क्या रोल था, चाचा को इस जब जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो खुलासा किया या जो घटना की वजह बताई है मुख्य रूप से है कि नरेश ही जो घटना हुई थी महिला को ले जाने वाली उसमें मुख्य रूप से पैरोकारी करता था और वही इन सब का साथ देता था, इसीलिए उसको रास्ते से हटाने की इन्होंने योजना बनाया और एक योजना के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, मोटरसाइकिल और तमंचा कहाँ से लिया गया, क्योंकि मोटरसाइकिल बिना नंबर की है, तमंचा भी अवैध है। ये अभी इनका जो कहना है कि इसमें और अभियुक्त रहा है जिसको हम लोगों ने अभी वांटेड किया है, वांछित है और उसके लिए बता रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल का इंतजाम किया था, तो जल्दी ही उसमें भी उसका भी खुलासा होगा और चीज़ें स्पष्ट होगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।